करौली जिले के बैढ़न कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जब चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी की गई ऑटो जब्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि बीते सप्ताह में बैढ़न बस स्टैंड से दिन दहाड़े एक ऑटो चोरी कर आरोपी फरार हो गए थे, जिसकी सूचना फरियादी कालिदास ने बैढ़न कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर खोज में जुट गई थी। वहीं एसपी अभिजीत रंजन के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने म्योरपुर उत्तर प्रदेश से आरोपी आनंद पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी अमित प्रजापति अभी भी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 2,00,000 रुपए कीमत की चोरी की गई ऑटो बरामद हुई है, जिसे जब्त करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में एसआई मुकेश झारिया, प्रधान आरक्षक दीप नारायण, आरक्षक पिंटू राय महेश पटेल सहित अन्य शामिल पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। चोरी पकड़े हैं आप लोग, उसमें क्या कुछ मामला है? दिनांक 10/12/2019 को कालिदास सोनी निवासी काली मंदिर के पास थाना बैढ़न कार्टो दोपहर में 12 से 3:30 के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया था। कालिदास सोनी की रिपोर्ट पर थाना बैढ़न में धारा 379 का प्रकरण पंजीबद्ध कर कोतवाली पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया, और अनुसंधान के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आनंद उर्फ टोनू पांडे निवासी ग्राम जुवाड़ी का अपने साथी अमित के साथ में उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया है, और दोनों ऑटो को लेकर के म्योरपुर में ऑटो का चालन कर रहे हैं। इस सूचना पर एक टीम को म्योरपुर रवाना किया गया, और म्योरपुर से आरोपी आनंद टोनू पांडे को ऑटो के साथ पकड़ा गया है। 2,00,000 रुपए कीमत का ऑटो है, और एक आरोपी अमित मौके से पुलिस को देख करके फरार हो गया है, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। सर, कभी इन पर और कोई आपराधिक मामला दर्ज है क्या? इसके संबंध में हम विभिन्न थाना क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आनंद पांडे के विरुद्ध, वो चूँकि दोनों आरोपी थाना बिंद नगर के रहने वाले हैं, वहाँ से रिकॉर्ड मंगाया है। जहाँ तक मेरी जानकारी में प्राइमा फेसी तथ्य हैं, तो आनंद पांडे के विरुद्ध बिंद नगर में चोरी के और भी प्रकरण दर्ज हैं।